अजी सुनती हो, शर्माइन का पति भाग गया, शर्माइन का पति भाग गया। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी बीवी ना उसे वायरल रेसिपी बना के नहीं खिलाती थी। ओ अच्छा, लेकिन ये भाग जाएंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ये दोनों तो हमारे वीडियो के एक्स्ट्रा टैलेंट है, मेन टैलेंट तो यहाँ पे वायरल फूड रेसिपी है। तो चलिए आज ट्राई करते हैं वायरल फूड रेसिपी और देखते हैं कौन सी हिट और कौन सी मिस है। और इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल मत भूलना, साथ में वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको पता चले कि मेरे वीडियोस आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं ये पोटैटो बर्गर, जिसके लिए मीडियम या लार्ज आलू को सबसे पहले बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आलू को लंबा काट लें, क्योंकि दोस्तों यही तो हमारा बन का काम करेगा। अब हमें इन्हें डीप फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई करने के लिए एक टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगी, तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लें, अब गैस का फ्लेम लो करके इन्हें धीमी आंच में सिकने दें। ऐसा करने से हमारे जो आलू हैं वो अंदर तक सिक जाएंगे और जो बाहर की कवरिंग है वो धीरे धीरे अच्छे से पिंक से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो बस जहाँ पे आप देखेंगे कि ये अच्छे से हमारे सिक गए, तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और इन्हें बाहर निकाल दें। और इसे करने में कम से कम मुझे 6 से 7 मिनट लगे हैं, तो इतना ही टाइम आपको भी लगेगा। और बस इसके बाद जैसे हम बर्गर में असेंबलिंग करते हैं, बस टिक्की को छोड़ के इसमें भी हमें असेंबलिंग उसी तरीके से करनी है। तो यहाँ मैंने मेयोनीज सॉस लगा लिया है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी केचप, उसके बाद प्याज, टमाटर, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो डाल दूंगी। और हाँ दोस्तों, कोशिश करें कि जौन से आलू का आपने नीचे वाला लिया है उसी के ऊपर वाले से उसे कवर करें। ये एक छोटी सी लेकिन यूजफुल टिप है। तो मुंह में पानी आया ना आपके, इसीलिए तो रेसिपी इतनी वायरल हो रही है। ये खाने के लिए हमने चटोरी हिमानी को बुलाया है, अब हिमानी से टेस्ट करके बताएगी कि ये कैसा हो रहा है। ये बहुत टेस्टी है। आलू, अगर किसी को आलू बहुत पसंद है तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, और आलू बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी भी हो रहे हैं और अंदर चीज भी है, तो बहुत टेस्टी है। तो बेसिकली इसमें बर्गर का टेस्ट आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो फिलिंग है वो बर्गर की है और बाहर से आलू की पैटी है। तो चलिए नेक्स्ट वायरल रेसिपी है ये कुरकुरे स्नैक्स, जो कि बनते हैं पास्ता से। अब इसके लिए सबसे पहले पानी को उबाल लें, और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो इसमें हमें हल्का सा नमक भी डालना है, ताकि जब हम पास्ता को इसमें बॉईल करें तो नमक उनके अंदर अच्छे से चला जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पास्ता को भी डाल दिया है बॉईल होने के लिए। एक बात का ध्यान रखें कि पास्ता हमारा परफेक्टली बॉईल हो, ना ज्यादा कच्चा ना ज्यादा पका हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली हो गया है, तो इसे गैस से बाहर निकाल कर इसका सारा पानी निकाल दें। और यहाँ पे मैं इसे ठंडे पानी से धो लूंगी, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसके बाद इसे किसी भी कॉटन कपड़े में रख दें, ताकि सारा मॉइस्चर कपड़ा अब्सॉर्ब कर ले और ये एकदम ड्राई हो जाए। अब ड्राई होने के बाद इसे बाउल में निकालकर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा ड्राई कॉर्नफ्लावर है अच्छे से पास्ता में लिपट गया है। इसके बाद बस करना कुछ नहीं है, तेल को गरम करना है, और जैसे आप किसी भी चीज को डीप फ्राई करते हो ठीक उसी तरीके से इस बो पास्ता को भी हमें फ्राई कर लेना है, जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो मीडियम फ्लेम रखते हुए आप देखेंगे कि 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। तो बस इन्हें बाहर निकाल दें और टिश्यू पेपर में रख दें।
क्योंकि टिश्यू पेपर सारा एक्सेसिव ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। और देखा ना दोस्तों, इसीलिए तो हुई है ये रेसिपी वायरल, क्योंकि इतना आसान है इसे बनाना। और हाँ, लास्ट में एक स्पेशल तड़का देने के लिए जो मैगी टेस्ट मेकर है, इसमें आप स्प्रिंकल कर दें और मजेदार क्रंची स्नैक्स बनके तैयार है, जो बच्चों से लेके बड़ों को सबको पसंद आता है। ये जो हमने नमकीन पास्ता की वायरल फूड रेसिपी ट्राई की है, ये तो एकदम ऑसम बनी है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि क्रिस्पी है, चटपटी है, मसाला डाल के बनी है। तो मैंने पंकज को बुलाया है इसे खाने के लिए, और ये तो तारीफ ही करेगा, मुझे पता है। क्योंकि मैंने पहले खा ली थी, मुझे अच्छी लगी। वैसे चखने के काम आ सकती है। चखना आप समझ ही रहे होंगे। तो ये बिल्कुल कुरकुरे की तरह क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स बने, और इसमें मसाला तो हमने मैगी टेस्ट मेकर डाला है, बट आप इसमें अपना चाट मसाला या सिंपल नमक डाल के भी खा सकते हैं। ऑमलेट तो हमने कई टाइप के सुने, लेकिन आज मैं ये वायरल फूड वॉफल ऑमलेट ट्राई करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने लगभग 4 से 5 अंडों को फोड़ लिया है। अंडों को फोड़ने के बाद इसमें अपनी पसंद के मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैं नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च डाल रही हूँ, और सब्जियों में प्याज, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया डाला है। आप चाहे तो अपनी पसंद से इसे स्किप या डाल भी सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से फेंट लें और वॉफल मेकर में ऑयल की ग्रीसिंग कर लें। अब अंडे के मिक्सचर को जैसे हम वॉफल मेकर में बैटर डालते हैं, उसी तरीके से डाल के फैला लें और इसको बंद करके पकने दें। तो 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे कि ये हो गया है। और यहाँ पे देख के मुझे कमेंट्स करके बताइए कि लग रहा है ना ये बिल्कुल वॉफल जैसा। मैं तो यहाँ खुद ही कंफ्यूज हो गई थी कि ये वॉफल है या ऑमलेट। तो नेक्स्ट वायरल फूड जो हमने ट्राई किया है, वो किया है ये ऑमलेट, जो कि हमने बनाया है वॉफल मेकर में, और ये बिल्कुल वॉफल की तरह ही दिख रहा है। जो भी आके देख रहा है कह रहा है कि आज वॉफल बनाया है, लेकिन ये तो ऑमलेट है। अब चलो टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है। भाभी ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन जब गर्म था ना बहुत अच्छा था। तो अमित ने तो इस रेसिपी को किया है पास। जब भी आप इस रेसिपी को वॉफल मेकर में ट्राई करें, तो इसे गरम गरम ही खा लीजिए, क्योंकि ठंडा होने पे ये बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। तो ये तो थी मेरी वायरल फूड रेसिपीज, और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इन रेसिपीज को। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।